क्योंकि पाखंडवाद ने आपको मानसिक गुलाम बना रखा। इसलिए महात्मा फुले ने जो किताब लिखी और जो मेरी प्रिय किताबों में से एक है, उसका नाम ही उन्होंने लिखा गुलामगिरी। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी पीढ़ियां वो खुद ब खुद तोड़ ले। इसलिए मुरादाबाद के लोगों, किताबों को अपने घरों में रखिए, किताबें ही क्रांति ले आएंगी और किताबें ही तर्क वैज्ञानिकता से लोगों को धर्म से दूर ले आएंगी। आप कहते हैं ना कि ओबीसी जिस दिन जाग जाए, ओबीसी जिस दिन समझ जाए, पहली बात तो ये कि इस भाषा को थोड़ा बदलने की जरूरत है। मेरा निवेदन आपसे, जब आप ये कहते हैं कि ओबीसी जिस दिन जाग जाए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारा का सारा ओबीसी सोया हुआ। आप इसको बदलिए। अरे भाई, पेरियार ललित सिंह यादव की तस्वीर आपने लगाई है, सोया हुआ ओबीसी होता तो उनकी तस्वीर महात्मा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, छत्रपति शाहू जी महाराज, महामना राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललित सिंह यादव, शिवदयाल सिंह चौरसिया और इस सबसे होते हुए बीपी मंडल तक का एक आंदोलन का नाम है ओबीसी। और उनमें बहुत बड़ा आंदोलन है, जरूरत है उसको पूरे देश में फैलाने की, पूरे देश में ले चलने की जरूरत है। इसलिए पहली बात, सोया नहीं है भाई। एक बात बताओ आप, क्या इस देश का सारा दलित समाज जाग गया है? क्या कुछ लोग कुल्हाड़ी का पेट बनकर उनके खेमे में है कि नहीं? अब यह आपका वैचारिक मंच है, इसलिए किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा, इशारे में कह रहा हूं, समझ जाइए। हमारे पुरखे ने लिखा एक चमचा युग, चमचा युग समझ रहे ना, कुछ लोग चम्मच बन गए। आज मान्यवर कांशीराम होते तो उनको लिखना पड़ता फरसा युग या बेलचा युग। बहुत सारे लोग बिक गए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम मिशन के लोग हैं ना, हम लोग जानते हैं ना अहमियत डॉक्टर अम्बेडकर की, और इसलिए समझाना है हमें उन्हें, उनके ऊपर व्यंग नहीं करना, क्योंकि व्यंग करेंगे तो ये बताइए धर्म का काम आसान है कि तार्किक और वैज्ञानिक होने का? एक बार सोच के बताइए, पूजा करना आसान है कि पढ़ाई करना? मानसिक रूप से गुलाम बनना आसान है कि तार्किक रूप से घर में सवाल पूछना? वो हमारे यहाँ एक किस्सा चलता है, वो एक आदमी के पिताजी मर गए, तो पिताजी के मरने के बाद पंडित ने सारा हवन कराया, उसके बाद गाय क्या 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 लेके जाता है ना, गोदान वोदान कराता है कि आत्मा मुक्त हो गई। तो पिताजी ने कहा आत्मा कहाँ है? तो पंडित बोला कि बढ़िया जगह पर ऊपर है, गाय पहुंच गई है, उसका दूध दादाजी पी रहे हैं। तो उसने कहा कि बाबा जी और कोई दिक्कत तो उनको नहीं? कहा कि दिक्कत तो नहीं, सोने में उनको दिक्कत होती है, चारपाई नहीं है उनके पास। तुरंत पंडित को, पिताजी मानसिक रूप से गुलाम थे, तुरंत एक नई चारपाई खरीद कर पंडित को दे दिया। पंडित अपना झूमते हुए चारपाई लेके चला गया। कुछ दिन बाद फिर लौटा तो फिर पिताजी ने पूछा कि दादाजी कैसे हैं? तो पंडित बोला कि गाय का दूध बहुत अच्छे से पी रहे हैं, चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आ रही है, लेकिन एक दिक्कत है, बाजार जाने के लिए उनके पास बड़ी दिक्कत होती है, साइकिल नहीं है। एक साइकिल मिल जाती तो बड़ा आराम हो जाता उनको। पिताजी मानसिक रूप से गुलाम, तुरंत नई साइकिल खरीद के किसको दे दिया? अरे जोर से बोलिए, किसको दिया? पंडित को, दादा को नहीं। पंडित साइकिल लेकर चला गया। अगली बार फिर आया तो जैसे ही पिताजी ने पूछा कि दादाजी कैसे हैं, तो पंडित बोला बड़े मजे में हैं, गाय का अच्छा दूध पी रहे हैं, चारपाई पर सो रहे हैं और दोनों टाइम बाजार जाते हैं नई वाली साइकिल से। वहीं उनका पोता बैठा था जो किसी ऐसे ही आयोजन से लौट कर घर गया था। उसने खड़ा होकर कहा पंडित झूठ बोल रहे हैं। पंडित ने कहा कैसे? तो कहा कि तीनों चीज पिताजी जो आपने इनके रास्ते भेजी वो तो दादाजी को मिली नहीं। पंडित नाराज होकर खड़ा होकर बोला अरे तुमको कैसे पता कि नहीं मिली? तो उस बच्चे ने कहा कि पिता दादाजी ने मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजा है कि बेटा तुम्हारी भेजी हुई गाय चारपाई और साइकिल मेरे तक पहुंची ही नहीं। अब पंडित एकदम गुस्से में और खड़ा होकर बोला तुम्हें ये चिट्ठी किस रास्ते मिली? तो वो लड़का बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। तार्किकता तो यहां से आती है ना, और हमें अपने लोगों को ऐसे किस्से कहानियों से समझाना है। उनको चढ़ाइए मत, हजारों साल की मानसिक गुलामी है साहब, और आप चाहते हैं बटन दबे और तुरंत क्रांति हो जाए? नहीं, क्रांति होना होता तो महात्मा ज्योतिबा फुले को घर से निकाला न गया होता। क्रांति होनी होती तो बाबा साहब को सारी डिग्री लेने के बाद
जब वहाँ बड़ौदा में रहने को घर नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की, बाबा साहब के समय क्रांति हो गई होती। क्रांति धीरे धीरे होती है। और आज महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर शायद जितना उस समय ताकतवर नहीं थे उससे ज्यादा ताकतवर आज 2022 में है, ये मेरा भरोसा है। इसलिए क्रांति आगे बढ़ रही है। इसलिए आप अपने को भरोसा दिलाइए, एक समय आएगा जब हम लोगों को समझाने में कामयाब हो जाए। इसलिए पहला काम क्या करना, कैंची लेके मत घूमिए, मेरा निवेदन। दो चीज छोड़ दीजिए, एक तो हम लोग तराजू लेके घूमते हैं, 24 कैरेट अंबेडकरवादी कौन। अब आप जय भीम बोलने वालों के घर में जरा घूम कर देखिए, एक आध देवी देवता की तस्वीर तो मिली जाएगी। बिल्कुल मिलेगी कि नहीं आप लोग बताओ, मैं नहीं जानता एक से। है ना भाई। हाँ। हमारा एक दोस्त था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हम लोग साइकिल से पढ़ने जाते थे तो जितना छोटा छोटा मंदिर मिलता था सबके सामने झुक करके ऐसे ऐसे प्रणाम करता था। एक जगह जल्दी में हड़बड़ी में प्रणाम किया और वहाँ जय भीम जय जय ये सब बोला। मैंने कहा अरे भाई देख ले ध्यान से, ये मंदिर नहीं ट्रांसफार्मर है। अचानक वो कहा अरे भाई गलती हो गई, धर्म तो देखो आपको मानसिक गुलाम बना। इसलिए चढ़ाइए मत, अपने लोगों को धीरे धीरे समझाना। पहली कोशिश मुरादाबाद के लोगों, हमें हमारी वैचारिक जड़ों से काटा जा रहा है। एक काम करिए, घर घर किताबें पहुंचाइए, विचारों की किताबें। तथागत बुद्ध को पूजिए मत। मैं तो अभी भी एक आलोचना करूंगा आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ब्राह्मणवाद का विरोध करते करते हमने केवल ब्राह्मण को रिप्लेस कर दिया हो और किसी नए किस्म के पुजारी को वहां बैठा दिया हो। मेरी आलोचना है आपके सामने, ये फूल माला ये अगरबत्ती इसकी जरूरत नहीं है साहब। अरे इतने सभा में जो लोग आए हैं सबको एक एक किताब दीजिए कि जाओ मोहल्ले भर बांटो, गुलामगिरी और जाति का विनाश, भारत का संविधान और मंडल कमीशन। जिस दिन घर घर जाए रामचरित मानस और गीता के ऊपर ले जाकर रख दो, आधी क्रांति की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। किताबों से क्रांति होगी, समझाने से होगी। और पुरुषों की क्रांति दरवाजे के दहलीज पर खत्म हो जाती है, महिलाएं चौके पर जाकर दूसरी महिला से जिस दिन समझाती हैं कि बहन चलना अगली बार जब मेला लगे, वहां तथागत बुद्ध की बात हो रही थी, अंबेडकर की बात हो रही थी, और महिलाएं जिस दिन आगे आ जाएं उस दिन क्रांति होगी। बिना महिलाओं के इस देश में कोई क्रांति पुरुषों से नहीं होनी है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, बेटे को पढ़ाएंगे बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटी तुरंत विवाह कर देंगे। लड़कियों जितनी लोग यहां पर आई हो, मेरी एक गुजारिश है, जब तक अपने पैर पर खड़ी न हो जाना तब तक शादी मत करना। अपने घर वालों से कहना बड़ा फूले और सावित्री बाई का नाम लेते हो, पहले हमें पढ़ाओ, हम अपने पैर पर खड़े होंगे तब हम शादी करेंगे। ये क्या बात है कि लड़के को आप पूरी छूट देंगे और लड़की को कोई छूट नहीं। मेरे लिए अंबेडकर एक विचार का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने महिला और पुरुष में बराबरी की बात की, उन्होंने गरीब अमीर में बराबरी की बात की, उन्होंने कमजोर और मजबूत में बराबरी की बात की। इसलिए जो क्रांति उन्होंने आज के दिन की, इस पाखंडी अंधविश्वासी और जातिवादी धर्म को छोड़ने की बात। और आज मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हमारे गांव में हमारे कस्बे में आप बताओ, क्या महिलाओं के साथ बलात्कार जाति देखकर नहीं हो रहा? क्या जाति देखकर विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने से रोका जा रहा है कि नहीं? NFS हो रहा है कि नहीं? और जिस संविधान से आपको ताकत मिली थी वो संविधान हमारी आंखों के सामने खत्म किया जा रहा है कि नहीं? ये चुनौती हमारे सामने है। इसलिए आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो शपथ ली, दिल्ली में कुछ लोग शपथ लिए हैं तो उनकी भावना आहत हो गई, पता है ना आपको, वो सब कह रहे हैं हमारी भावना आहत हो गई है। अरे भाई तुम मानो अपने देवी देवता को, तुम अपना मंदिर रख लो। अब मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने एलिवेशन ऑफ कास्ट में आखिरी में एक बात लिखी है कि मंदिर के पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। बताओ इस देश के कितने मंदिरों के पुजारी दलित हैं, कितने मंदिरों के पुजारी आदिवासी हैं? मंदिर में जितना चंदा जाता है वो किसके घर में जाता है? ये सारा कुछ जिस दिन मंदिर में सारे लोग अगर सारी जाति के हो जाएं, मंदिर का चंदा इस देश की संपत्ति हो जाए, उस दिन मंदिरों का ये आतंक खत्म हो जाएगा और एक बराबरी का साम्राज्य बन जाएगा। क्योंकि इसी समय इस देश के दक्षिण में तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री यही काम कर रहा है, तमिलनाडु में स्टालिन यही काम कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी लड़ाई शिक्षा रोजगार और संसाधन की लड़ाई। मैं हर जगह एक नारा बोलता हूं, वो नारा क्या है पता है? समाजवादी नारा है कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा,
समाजवाद का यही तकाजा। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों एक बात बताओ, गरीबी अमीरी में खाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? गरीब और गमीर, गरीब और अमीर नहीं हो रहा। अरे भाई ऐसा ना होता तो इस देश के 1% लोगों के पास 73% लोगों की संपत्ति जमा हो गई कि नहीं? हमारी शिक्षा बर्बाद हो गई ना। इसलिए समाजवाद का नारा था कि समाजवाद का यही तकाजा 100 से कम ना 1000 से ज्यादा, बराबरी का है। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। और तब मिलती है मुझे क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने इतना झेला कि आपको जब एक वैचारिक मसीहा मिला तो आपने उसे दिल से लगाकर एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने का काम कर दिया। अब इस काम को ओबीसी में आदिवासी में ले चलने की जरूरत है। और उनको कैसे समझाना है, मैं आपको जो एक सूत्र देता हूं, ये बताना है कि ओबीसी में कैसे वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। तथागत बुद्ध से आगे आइए, कबीर साहब, सुना है ना आपने कबीर को, ताकर पातर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दो रहा न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो रहा न पाई। और उन कबीर को बाबा साहब ने अपना गुरु माना था ना, इसलिए कबीर को पढ़ने की जरूरत है। तुम कत बाबन हम कत सूत, और हम कत लोहू तुम कत दूध। कबीर साहब पाखंडवाद पर कितना शानदार प्रहार करते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। उत्तर प्रदेश में आता हूं तो एक दुआ बहुत सुनाता हूं, मैं भूल जाता हूं कि यहां का मुख्यमंत्री कौन है और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं कबीर का एक दोहा पढ़ रहा हूं, आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए बकरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगाइले और गीता बांच जोगी हो गए लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैंने किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं कबीर का एक दोहा पढ़ा, कबीर ने यह बात लिखी है का पाखंड और अंधविश्वास के दूर। इस देश के भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है कि जब नया भारत बनेगा तो अंधविश्वास पाखंड कर्मकांड को हम खत्म करेंगे, तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नागरिक पैदा करेंगे। और आज इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाने वाले लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाकर के कांवड़ धोएं और वहां से लौट कर आए तो किसी मस्जिद के सामने त्रिशूल तलवार लेकर के रामलीला के नाम पर वहां दंगा करने का माहौल बनाए। बताओ मुरादाबाद के लोगों, क्या आप ऐसा भारत बनाने दोगे उन्हें? बताइए आप क्या ऐसा भारत बनाने देंगे? हमारी विरासत में कर्म कांड और पाखंड का विरोध लिखा हुआ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह बात लिखने वाले हमारे लोग हमारे बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया गया उनको। जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। इस देश को अगर वाकई विश्वगुरु बनाना है तो सबसे पहला काम करना होगा जाति को खत्म करो, जमात की तरफ बढ़ो, वंचित शोषित लोगों को एक करो, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं पूरी विरासत को आज बाबा साहब और बुद्धा के बारे में याद कर रहा हूँ। क्या लेकर अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।